स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आप IAS में। दोस्तों अभी अभी MPPSC मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो है नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है, इसके संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों वो आज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि MPPSC का जो नोटिफिकेशन है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों ये सिविल सर्विसेज की ही नोटिफिकेशन है, इसलिए आप IAS का चैनल जो है आपको ये डिस्कस करके बता रहे हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग के केवल 6 साल के अंदर आप जो है प्रमोटी IAS बन जाते हैं PCS बनने के बाद। तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो विज्ञापन है वो आज 14 तारीख को आया है और इसकी आवेदन की अंतिम तिथि है 9/12/2019। तो दोस्तों ये जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है राज्य सेवा आयोग 2019 की, वो होगी दोस्तों 12/1/2020 तो रविवार को, यानी कि 12 जनवरी 2020 को जो है प्रारंभिक परीक्षा होगी। और इसके लिए सामान्य अध्ययन का जो प्रश्न पत्र होगा वो 10 से लेकर 12 बजे तक होगा, और जो CSET का पोर्शन रहता है दोस्तों वो 2 से लेकर 4 बजे तक रहेगा। अब मैं आपको MPPSC की नोटिफिकेशन की जो ये बात है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो आपको मैं डिस्कस करके बताना चाहूँगा। दोस्तों MPPSC के नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि राज्य सेवा परीक्षा एवं राज्य वन सेवा के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में राज्य सेवा परीक्षा अथवा राज्य वन सेवा अथवा दोनों परीक्षाओं हेतु विकल्प सावधानीपूर्वक चयन करें। दोस्तों ये बात स्पष्ट तौर पर कही गई है कि आपको जो विकल्पों का चयन है वो आपको बहुत ही सोच समझ कर करना है, क्योंकि चयनित विषय के अनुसार ही जो है वो आवेदन आप कर पाएंगे किसमें, जो फाइनल जो मिशन है उसमें। तो दोस्तों राज्य सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको वन सेवा परीक्षा के लिए एक ही कॉमन ऑनलाइन पत्र भरना पड़ेगा, जो कि आपको 4 तारीख से विज्ञापन 4/2019 जो है उससे 14/11/2019 तक जो है आप भर सकेंगे इसको। तो दोस्तों 14 तारीख से आपको जो है ये विज्ञापन की संख्या 4/2019 है और दिनांक आज 14/11/2019 है। तो इसके आगे पढ़ते हैं, बताते हैं आपको कि क्या नोटिफिकेशन में चीज़ें क्या क्या खास हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2019 के लिए जो है ऑनलाइन ही जो होंगे आवेदन होंगे दोस्तों, और किसी भी तरीके की जो मैनुअल और डाक की जो है वो स्वीकार नहीं करेगी। दोस्तों ये चीज़ आप महत्वपूर्ण तरीके से देख लीजिए, क्योंकि बहुत से ऑनलाइन ठग गिरोह भी चलते हैं जो आपको कहते हैं कि हम आपकी डायरेक्ट नौकरी लगा देंगे। तो दोस्तों उन सभी से सावधान रहें, और क्योंकि IAS की समान ही PCS की परीक्षा है, पूरा पैटर्न वही है। पैटर्न को जो है अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, उपरोक्त परीक्षा के लिए जो आवेदक होंगे वो परीक्षा के लिए जो भुगतान कर सकते हैं वो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के भी जरिए कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, MPPSC.NIC.IN की वेबसाइट पे आपको जाना होगा। और अगर कोई भी आपके प्रश्न पत्र में गलतियाँ हो जाती हैं तो आप 23 से लेके 11/12 यानी कि दिसंबर 11 तारीख तक जो है इसमें सुधार कर सकते हैं, और इसके लिए आपको त्रुटि हेतु ₹50 शुल्क देना होगा। और ऑनलाइन परीक्षा की जो अंतिम तिथि है वो 20/11/2019 12 बजे तक है। देखिए उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20/11/2019 12 बजे से 9/12/2019 तक MPPSC की वेबसाइट में भरे जा सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद जो है लिंक अपने आप स्वतः बंद हो जाएगा। इसके अलावा जो है ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक जांच कर ले, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा आगे की जो वो है, ऑनलाइन आवेदन में जो है भर्ती के लिए जो अनारक्षित जाति के जो लोग हैं वो अपनी श्रेणी अनुसार जो है आवेदन करेंगे दोस्तों। और विज्ञापन के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा 12/1/2020 को होगी वो सभी जिले मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी, और जिसमें 10 दिन पूर्व जो है परीक्षा के शहर की जानकारी आपको ईमेल द्वारा दी जाएगी। तो ईमेल अपना जो है एड्रेस बहुत ही सही रखिएगा, जो आपका ईमेल और SMS मोबाइल नंबर आप डालेंगे वो आप ऐसा दीजिए जो आपके पास हमेशा रहे। इसके अलावा देखिए विज्ञापन के संदर्भ में अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना होती है तो आयोग की वेबसाइट MPPSC.NIC.IN पे जो है वो आपको तत्काल मिल जाएगी। तो पात्रता की जब हम बात करते हैं तो पात्रता जो है राज्य सेवा परीक्षा हेतु सभी स्नातक उत्तीर्ण होने चाहिए, और इसके अलावा जो है रोजगार कार्यालय में आपका नाम पंजीकृत होना अनिवार्य है दोस्तों। तो रोजगार कार्यालय में आपका नाम जो है जिसका नहीं चढ़ा है वो कृपया जाके जरूर चढ़ा लें। और चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि आपकी कंप्यूटर में त्रुटि लिपिकीय त्रुटि होती है तो आयोग चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है, यानी कि आपको अगर कहीं पे त्रुटि हो गई है आपके ऑनलाइन परिणामों में तो आयोग के पास पूरा अधिकार है कि वो उस चीज़ को जो है आपके जो परिणाम है उसको जो है निरस्त भी
कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके अलावा 11वां प्रश्न जो इसका बिंदु है उसमें आयोग ये कहता है कि आयोग परीक्षा के चयन प्रणाली में निष्पक्ष और पारदर्शी है। इस प्रणाली के लिए जो है विफल व्यक्ति लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है, अतः कोई भी व्यक्ति द्वारा सीधे अन्य माध्यम से, जो मैं आपसे बोल रहा था दोस्तों कि ठग गिरोह भी सक्रिय हैं, इसीलिए ऑनलाइन आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जा रहे हैं दोस्तों। भारत के नागरिकों तथा संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों को राज्य प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं के अनुसार जो है आवेदन किए जाने हैं। तो देखिए क्या क्या पदों की आवेदन कर सकते हैं आप और क्या क्या चीज़ों की जो आवेदन जो है वो आए हैं दोस्तों, वो आज की इस पूरी वीडियो का मुख्य बिंदु रहेगा कि क्या क्या जो है मुख्य बिंदु के आधार पे जो है पदे आप भर सकते हैं। तो सामान्य सामान्य जो है आप ये सामान्य प्रशासन जो विभाग है उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आप भर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जब हम बात करते हैं राज्य सेवा आयोग की, तो राज्य सेवा आयोग में जो है विभिन्न प्रकार की पदें हैं, जैसे गृह पुलिस विभाग की पोस्ट है, राज्य पुलिस सेवा की जो अधीक्षक की पोस्ट है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसके लिए श्रेणियों की रिक्तियाँ किस आधार पर किए गई हैं। देखिए UR ST SC OBC US EWS यानी कि जो है इतनी श्रेणियों में आपको जो है वो मिलेंगी, वरीयता मिलेंगी। इसके अलावा देखिए राज्य पुलिस सेवा उप अधीक्षक की जो पोस्ट है वित्त विभाग में पोस्ट है, इसके अलावा जो पोस्ट है कनिष्ठ वेतनमान कार्य अधिकारी की पोस्ट है, सहायक संचालक स्थानीय निधि गुणवत्ता की जो पोस्ट है। आगे देखते हैं आगे जो है सहायक संचालक की पोस्ट जनसंपर्क में है, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग सहायक संचालक आपूर्ति अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग सहायक संचालक सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण सहायक संचालक विभाग, राजस्व विभाग नायब तहसीलदार आदि जितनी भी पोस्टें हैं वो आपकी जो हैं वो हैं। और ये सभी जितनी भी पोस्ट हैं, UR का मतलब है अनरिजर्व, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, ST का मतलब शेड्यूल ट्राइब, और ये सभी जो है देखिए आपको अपनी कैटेगरी देखकर ही भरना है। UR का मतलब अनरिजर्व्ड है, SC का मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, OBC का मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और OH ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ट, और BH का विजुअली हैंडीकैप्ट, HH हियरिंग हैंडीकैप्ट, MD मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो देखिए आपको जो है इतनी सारी टिप्स जो हैं आयोग द्वारा दी गई हैं, ये आयोग की टिप्स मैं अगली वीडियो में आपके लिए डिस्कस कर दूंगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शैक्षणिक योग्यता और ये जितनी भी पूरी नोटिफिकेशन है इसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ये क्योंकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो, और ये वीडियो के लिए अलग से इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें बहुत से आपके जो डाउट्स हैं वो डाउट्स हम पूरी तरीके से अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो ये MPPSC की नोटिफिकेशन में जितना सेवामान क्या क्या रहेगा, कितनी पोस्ट हैं, ये हम आपको डिटेल में अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे। फिलहाल यही उद्देश्य था कि आपको सबसे पहले ये अपडेट मिल जाए कि MPPSC का नोटिफिकेशन आ चुका है, और MPPSC का नोटिफिकेशन जाकर आप ऑनलाइन MPPSC.gov.in पर जाकर आप भर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल आप IAS को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हमारे वीडियो पर शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ पहुँचाएँ। धन्यवाद।